एक मिनट कहाँ? अच्छा तुम तुम्हारे आगे हूँ। हाँ चले। हेलो आप कैसे हो? एक्ट्रेस है, आपको मिलने चाहिए। एक्टर है वो, आपको मिलने आया है। हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बढ़िया। सेहत कैसी है आपकी? भिजवाई देना। हाँ नहीं ये नहीं आई थी, पहली बार आई। हाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। कारण नाम पूछ। नाम रुचि। हाँ जी। तबीयत ठीक है आपकी? कौन-कौन से फीचर में काम करती? हाँ कौन-कौन से फीचर में काम करती? कौन-कौन से फिल्म में काम करती? अच्छा हाँ मैंने आपकी एक मूवी की ये सॉन्ग्स थे, आप मैंने देखा होगा। नहीं इसलिए मैंने आपको। हाँ हाँ मन लग जाता है यहाँ पे अच्छे से। आपकी तबीयत ठीक है? वो ज्यादा बात नहीं करते। तबीयत ठीक है आपकी? सो आप समझाओ ना कैसे बात नहीं करते हो, ज्यादा बात नहीं करते हो। आप कैसे हो पूछ रही है? कैसे हो आप? कैसे हो? ठीक हूँ ना। चलिए आज अभिनेत्री आहेत त्या? काय नाव? रुचि। भेटायला आली? नाही कशा नको असंच भेटायला आली। हे काय करते? हे व्हिडिओ फोटो काढतो। फोटो फोटो करतो वाटतो। हा तसंच काढतो। फोटो करवाओगे आप? कशाला उगीच आपको एक फोटो लेना है। फोटो कहीं जैसा ही होगा। आपकी फोटो ले रहे हैं तो क्या करेंगे उसका? ऐसे ही कितना करता है आपको? क्या कैसे हो आप? तबियत ठीक है आपकी? मेरा की नहीं है रुचि को ना। तो नाम रुचि किसका नाम है पूछ रही? मेरा मेरा नाम है। ये क्या हुआ? माजन अरे वो आपको किसने क्या बताया? किसने क्या बताया क्या ये मालूम कर? आपसे मिलने आए हम तो। आपको किसने क्या बताया क्या मेरे बारे में? आप सेलिब्रिटी बन गए हो ना, सब आपकी फोटो निकालने के लिए। डॉक्टर यांची मुलगी आहे ती साधना। साधना
मालंग सर लीज कौन डॉक्टर है निरंजन डॉक्टर कौन है हम चाहते हाँ तो उनसे कहेगी ये आपकी डॉक्टर हाँ तो भाई को सर का वो इंडक्शन वगैरह कभी डॉक्टर ये बुरे आते हैं क्या हाँ कौन से डॉक्टर की लड़के ये दिक्कतें संभालता ना निरंजन डॉक्टर निरंजन महती है अरे वो हाँ हाँ त्यांची मुलगी मी मला विसरलीस तू हो नाही मला नाही मला दिसते तू लवली मीच्या मध्ये इतनी बड़ी कब हो गई मोठी का नाम मोठी साधना साधना का शब्द हम कौन साधना दूसरी शब्द बोल जाते हो बोल जाते हो कुछ नहीं खाली खाने का तो कुछ नहीं होता मेरे चेहरे मन लग जाता है आप लोगों का आपका नाम क्या गुजराती हो नहीं बाबा जिनको घर पे मेडिसिन देर नहीं दे पाते उनको वहाँ पे रखते ठीक होने के बाद थोड़े लोग लाइफ टाइम के रहते हैं ये तो 25 इयर्स से है घर पे जैसे जो नर्सेस रखते हैं भीगो से वगैरह उनका चार्जेस ज़्यादा रहता है दिन के 2 महीने रहता है उनको उससे कम चार्जेस आप ठीक हो हाँ सबको यहाँ पे तो हाई डायबिटीज है तो पैरालिसिस है इतना समझ गए हाँ दर दरता करना पड़े तो नहीं आए करूँगी हर दस बजे ना कारण दीपा म्हणायचे वाटतं म्हणजे काय म्हणते आम्ही आणून देऊ पण तुझं पण जाणार आहे माहिती तर आपण मोदी म्हणून आपण घेतली गंजन पाठवी तर तुला सांगते त्या बाहेर आहे आता बाहेर आतून राहू ना चपाती कभी कभी वही खा लेते देखने में क्या एकदम इमोशनल हो गए हो आपकी क्या कहना चाहोगे कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं इतना देख के इतना इमोशनल हो गई हूँ कि लोग कैसे अपने पेरेंट्स कैसे छोड़ देते हैं एक मेरे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट है मैं तो बात भी नहीं कर पा रही थी उनसे अच्छे से इतनी इमोशनल हो गई थी बट लोग हैं छोड़ देते हैं बट अच्छा ये जो इनका टेक केयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई तो टेक केयर कर रहा है एटलीस्ट ऐसे लोगों का भी जिनको उनके घर वाले ही छोड़ देते हैं क्या हम ऐसे बार बार हम आगे और भी देखेंगे आप इस तरह से अब से मैं यहाँ पर आया करूँगी हमेशा हर 15-20 दिन में मैं इनसे मिलने ज़रूर आया करूँगी कैसा लगा उनसे मिलके कैसा एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छे हैं एक तो उनमें से बहुत ही अच्छी आंटी मुझे मिली जो इतना रीडिंग इतना पढ़ रही थी मोदी जी के बारे में पूरा अपडेट्स न्यूज़पेपर सब तो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत अच्छे अच्छे थे ये सब लोग
अच्छे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सब अच्छे से। तो अभी तो मेरा इतना मन लगा है, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का हमेशा 15-20 दिन में आया करूँगी यहाँ पर। और आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें कुछ? हाँ, अभी मेरा एक गाना आ रहा है तोशी शारिफ के साथ, उसका अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शूट बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।